दोस्तों द लाइन टेक एक और नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 2022 के अंदर में जो सबसे बेहतरीन डिज़ाइन वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो लिस्ट को हम शुरू करेंगे नंबर 5 से लेकर नंबर 1 तक। और नंबर 1 पे जो फ़ोन है वो मेरा काफ़ी फेवरेट फ़ोन रहा है और मेरा सपना है कि मैं कभी उसको खरीदूँ। अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और आप गेस करिए कि नंबर 1 पर कौन सा डिवाइस हो सकता है। तो 2022 में स्मार्टफोन कंपनियां ज़्यादातर टॉप नॉच और स्पेसिफिकेशन के साथ 5G डिवाइसेस पेश करने की कोशिश की है। इस साल हमने इंडस्ट्री में शायद ही शानदार स्मार्टफोन डिज़ाइन इनोवेशन देखा हो, क्योंकि ज़्यादातर ब्रांड्स ने अलग अलग कीमतों पर सुपर फास्ट फ़ोन को ही लॉन्च किया है। 2022 में हज़ारों 5G फोन्स लॉन्च किए गए थे, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे थे जिनका डिज़ाइन अलग था। आइए एक नज़र डालते हैं 2022 के सबसे बेहतरीन दिखने वाले स्मार्टफोन्स पर, और आई कैचिंग स्मार्टफोन्स भी आप इसे कह सकते हो। बात करते हैं नंबर 5 पर जो स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी S22 Ultra। सैमसंग गैलेक्सी S22 Ultra सबसे शानदार फ़ोन में से एक है जिसे कोई भी कभी भी खरीद सकता है। इसे सब कुछ सबसे बेस्ट है। यह एक फुल स्टाइलिश के साथ आता है जो आपको मार्केट में लगभग सभी एंड्रॉयड फ़ोन के साथ मिलता है। पीछे की तरफ कोई कैमरा मॉड्यूल नहीं है और कंपनी सेंसर्स को पीछे की तरफ रखा है। फेबलेट जैसी डिज़ाइन और एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। तो दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 स्मार्टफोन की, जो कि है, दो स्मार्टफोन हैं, दोनों ही एक ही ब्रांड की तरफ से आते हैं। एक है Pixel 7 Series and Pixel 6a। Pixel 7 Series और Pixel 6a ने यूनिक डिज़ाइन भी पेश किए हैं। इसमें से कुछ भी इनोवेटिव नहीं है, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी क्लासिक है कि कोई भी इनमें से किसी को भी देखने के बाद बस खरीदना चाहेगा। पिक्सल 7 और 7 प्रो में गोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्रेम के साथ ग्लोसी ग्लास बैक है जो उन्हें शानदार बनाता है। गूगल ने उन्हें क्लासिक काले और सफ़ेद कलर में लॉन्च किया। आपको पिक्सल 6a के साथ भी ऐसा ही डिज़ाइन मिलता है। पिक्सल 7 सीरीज एक फ्लैगशिप फ़ोन है, लेकिन यह देखकर अच्छा लगा कि गूगल इसे कम कीमत में भी पेश कर रहा है। हालांकि गूगल 6a में महंगे मॉडल पर देखे गए ग्लास बैक में बजाय पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल है। अब बात करते हैं नंबर 3 वाले स्मार्टफोन की, तो वो है वीवो V25 Pro। 2022 में वीवो एक और ब्रांड था जिसने डिज़ाइन में अपने ख़रीदारों के लिए कुछ अलग पेश करने की कोशिश की। इसने कलर चेंजिंग बैक पैनल के साथ वीवो V25 Pro को पेश किया। सूरज की रोशनी और के संपर्क में आने पर रियर पैनल का कलर एक अलग शेड में बदल जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। यह डिज़ाइन काफ़ी स्लीक और स्लिम भी है। लाइटवेट डिज़ाइन वाले फ़ोन को एक हाथ से हैंडल करना काफ़ी आसान हो जाता है। वीवो V25 Pro में डिस्प्ले के चारों ओर कोई बेजल नहीं है। इससे एमोलेड पैनल दिया गया है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और ये काफ़ी अच्छा फ़ोन था। एक बात करते हैं नंबर 2 की, तो वो है Realme GT 2 Pro। Realme GT 2 Pro एक और फ़ोन है जिसने लोगों का काफ़ी ध्यान खींचा है। इसमें एक यूनिक बनावट वाला बैक पैनल है जो सफ़ेद कैनवास के जैसा सुंदर दिखता है। कंपनी ने कहा है कि डिज़ाइन पेपर से इंस्पायर्ड है, जो सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। आप बैक पैनल पर एक पेंसिल का यूज़ करके कुछ भी खींच सकते हैं और स्केच को मिटाने के इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। पिछले हिस्से पर मेट फिनिश है जिससे बेहतरीन ग्रिप मिलती है। इस प्योर वाइट कलर में लॉन्च किया गया था जिससे यह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है था। अब बात करते हैं नंबर 1 वाले स्मार्टफोन की, तो क्या आप गेस कर पाए कि नंबर 1 पर कौन सा स्मार्टफोन था। तो वो स्मार्टफोन है Nothing Phone 1। और हाँ, ये ट्रांसपेरेंट बैक वाला फ़ोन था जो मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो इसके साथ कंपनी ने फाउंडर कार्ल पेई ने सभी को याद दिलाया कि स्मार्टफोन डिज़ाइन इनोवेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यह साल का सबसे अनोखा फ़ोन है जिसका डिज़ाइन सबसे अलग है। इसमें मैकेनिकल एलिमेंट और LED
स्ट्रिप्स के साथ सेमी ट्रांसपेरेंट बैक पैनल डिज़ाइन है जो देखने में अच्छा लगता है। नोथिंग फोन वन 2022 का सबसे अच्छे दिखने वाला फ़ोनों में से एक है। कीमत की बात करें तो ये लगभग 30,000 के रुपए के अंदर मिल जाता है, इसके आसपास, इसके ऊपर नीचे हो सकता है 35,000 भी, मैंने कभी इसका प्राइस सुना था। और इस स्मार्टफोन का सारा ओवरऑल कुछ अच्छा है, एक ही चीज़ मुझे ख़राब लगी वो है इसका यूज़र एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में और काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना है कि ये जो फ़ोन है उसका जो है सॉफ्टवेयर काफ़ी ग्लीची है और काफ़ी ग्लीची से उसके अंदर, तो इसके ऊपर ये नोथिंग वाला ज़रूर काम करेंगे। और भाई एक इतना अच्छा, मतलब बोल सकते हो डिज़ाइन देना काफ़ी एक अच्छी बात थी। और आपको अगर द लाइन टेक की इसी तरह की वीडियोस पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करना, क्या पता उन्हें हमारी वीडियो पसंद आ जाए।